औरंगाबाद जिला युवा राजद के तत्वावधान में सोमवार को दर्जनों राजद कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए राजद के जिला प्रभारी अशोक भारद्वाज ने बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, हर तरफ अराजकता का माहौल है। राजद बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, संविदाकर्मी और शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति जैसे जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर यहां धरना का आयोजन किया गया है। धरना का आयोजन युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब के निर्देशानुसार किया गया है। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और सत्तासीन जो निरंकुश सरकार है जिसे जनहित से कोई सरोकार नहीं है, इस सरकार के विरुद्ध में हम लोग आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। यह आगाह करने के लिए धरना था। सरकार इस धरना के माध्यम से ही यदि सचेत हो जाती है और जो प्रदेश की जनता पर जो बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी, अफसरशाही लूट का जो व्यवस्था थोपा गया है उसे वापस ले लेती है, तो हम वापस ले लेंगे अपना 23 तारीख का विधानसभा का घेराव जो है। यदि नहीं लेती है तो हम आज धरना के माध्यम से सरकार को आगाह करते हैं कि 23 तारीख को हम सभी साथी पूरे प्रदेश से विधानसभा का घेराव करेंगे। कितनों चिल्लाएंगे, कितनों कर रहे हैं, सरकार सुन ले तब तो। सरकार नहीं सुन रही आप लोगों की, न सुना है न सुनने की काम करेगा। हम लोग सबसे इस देश में महत्वपूर्ण तो किसान मेरा है और किसान लगातार आज लगता है कि 4 महीने होने जा रहे हैं 100 दिन ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक किसी बात पर समझा, किसी बात पर सुनने का काम नहीं किया है। पूरे मजबूती के साथ जनहित के सवालों को लेकर के अपनी बात को रख रहे हैं और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, सरकार को बाध्य होना पड़ेगा नेता प्रतिपक्ष की बातों को सुनने के लिए। हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करेंगे और ये सरकार जो हर मोर्चे पर फेल है, युवाओं को रोजगार नहीं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, संविदा कर्मियों की जो हालात है वो भी आप देख रहे हैं, चारों तरफ जो बेरोजगारी का आलम है। इन लोगों ने कहा था कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ गया रोजगार। इस धारणा के माध्यम से युवाओं ने यह संकल्प लिया कि जब तक बिहार से बेरोजगारी को नहीं हटा देंगे, बिहार से भ्रष्टाचार को नहीं हटा देंगे, बिहार से महंगाई को नहीं हटा देंगे, तब तक युवा राजद चरणबद्ध आंदोलन करती रहेगी। औरंगाबाद युवा राजद के जिलाध्यक्ष इंजीनियर राहुल यादव के नेतृत्व में इस धरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव कौलेश्वर यादव, प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार सिंह, यूसुफ आजाद अंसारी, इंदल यादव, मुख्य प्रवक्ता उदय भारती, दाऊद नगर युवा इकाई अध्यक्ष बसंत बादल कुशवाहा, संतोष कुमार, सुनील यादव आदि दर्जनों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। औरंगाबाद से साइलेंस मीडिया के लिए दर्शन कुमार की रिपोर्ट।